अपने दोनों टांगों के दरमियान शर्मदार की इज्जत व आबरू की जमानत ले ले, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। आज हमारे मौसरी के अंदर, आज हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी भी बुराइयां पैदा होती हैं, वो दो चीजों की वजह से बुराइयां पैदा होती हैं, या तो जुबान की वजह से बुराइयां पैदा होती हैं, या तो शर्मगाह और जनाकारी और बदकारी की वजह से पैदा होती हैं। अगर इन दोनों चीजों पर कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारा माशरा, इस्लामी माशरा जन्नतनुमा बन सकता है और हमारे माशरे में से सारे खराबी 22-30 साल और बेकनी हो सकती है। लेकिन शर्त यह है कि हम और आप अपनी जुबान पर कंट्रोल लगाएं, अपने शर्मगार की हिफाजत भी कराएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे गए और ये पूछे गए कि भाई किस चीज की बुनियाद पर लोग जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा दाखिल होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तक्वल्लाह व हुस्नुल, यानी अल्लाह का तक्वा, अल्लाह का खौफ, खशियत इलाही की बुनियाद पर इंसान जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और दूसरी चीज बताई हुस्नुल, यानी हुस्ने अखलाक की बुनियाद पर। इसीलिए अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहरम ला तहरम मिन अल मारूफ शैया वलो अन तलका का बेवजह तलके, कि किसी भी मारूफ किसी भी भलाई को हकीर नहीं समझना चाहिए। यहाँ तक कि अगर एक इंसान एक मोमिन भाई अपने दूसरे मोमिन भाई से अल्लाह के साने के साथ हसाद बसाद चेहरे के साथ अगर मिलता है तो उस पर वो इंसान सवाब से नवाजा जाएगा और ये हुस्ने अखलाक की एक किरदार एक कड़ी होगी। तो लिहाजा इंसान जन्नत के अंदर अल्लाह के तक्वा और हुस्ने अखलाक की बुनियाद पर जन्नत के अंदर जाएगा। हमारे और आपके अंदर बहुत सारी इबादतें पाई जा रही हैं, हमेशा अल्लाह के जिक्र अज़कार के अंदर मशगूल रहते हैं, लेकिन अगर हमारा हुस्ने अखलाक नहीं है तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की हमारी गिरफ्त हो जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि भाई लोग जहन्नम के अंदर किस बुनियाद पर सबसे ज्यादा जाएंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल फर्ज वल फर्ज, यानी मुंह और शर्मगाह की बुनियाद पर। लिहाजा हम और आप आज इन तमाम बातों को सुनने के बाद ये अहद करें, ये आदमी मुसम्मम करें, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है मैं अपनी माँ और बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि यकीनन दौरे अव्वल की खातिन कैसी खातिन थी। याद करें हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला कि जिन्होंने इस्लाम के वास्ते अपनी जान की बाजी लगा दी और अबू जहल ने दो ऊंटों पर उनको सवार किया और एक पूरब की तरफ एक पश्चिम की तरफ ले जा रहा है और बीच में उसने नेजा के जरिए से इंतहाने नहाने को मारा और मारने के बाद वो मुस्कुराते हुए अल्लाह की तरफ रवाना हो गई। लिहाजा औरतों को इस बारे में सबसे ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था और ये ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के खुतबा देने के मौके पर कहा था कि औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा गया। पूछा गया क्यों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई लानतान बहुत ज्यादा करती हैं और औरतों की नाशुक्री करती हैं और ये दोनों चीजें अपने माशरा के अंदर पाई जाती हैं। हर शख्स अपने घर ही से इस बात का जायजा ले सकता है कि औरतों की यहाँ लानतान का मामला सबसे ज्यादा पाया जाता है, अपने शौहरों की नाशुक्री सबसे ज्यादा पाई जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, आगे फरमाया कि अगर जिंदगी भर बीवी की खिदमत करते रहो और बीवी के लिए तमाम की तमाम चीजें लगा करके हासिल करते रहो, लेकिन अगर किसी दिन उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो वो कहती है कि मां रहा है मिनका, यानी मैंने कभी भी तुझसे कोई